सर्दियों के मौसम में अक्सर हम सब लोग पकौड़े खाना बहुत पसंद करते हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स वेज पकौड़ा की रेसिपी, जिसे बनाने के लिए हम बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। ये पकौड़े खाने में बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं, तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। इसमें डाल रही हूँ मैं ये एक कटोरी आलू, जिन्हें मैंने इस तरह से क्यूब में काट लिया है बारीक बारीक। एक कटोरी प्याज, इसे भी मैंने यहाँ पर बारीक बारीक काट लिया है। एक कटोरी ये मेथी के पत्ते, जिन्हें मैंने धोकर अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है। एक कटोरी पालक, इन्हें भी मैंने बारीक बारीक काट कर लिया है। थोड़े से ये हरे धनिया के पत्ते और 3 से 4 ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च। पकौड़े बनाने के लिए सब्जियां आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं, जैसे बंद गोभी, शिमला मिर्च, बैंगन, गाजर, जो भी सब्जी आपको पसंद हो आप वो मिक्स पकौड़े बनाते समय यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेथी का यूज़ किया है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेथी खाने में कड़वी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम इसे बेसन के साथ तेल में फ्राई करते हैं तो ये खाने में बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है पकौड़े में। तो आप एक बार मेरी तरह से ज़रूर ट्राई करके पकौड़े बनाएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। तब हम इसमें बाकी सारे मसाले मिला लेते हैं। 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच अजवाइन ली है। इसे इस तरह से हाथों से क्रश कर कर डालेंगे, क्योंकि अजवाइन जो है वो पकौड़ों को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करेगी। 1/2 चम्मच अदरक, जिसे मैंने यहाँ पर ग्रेट करके लिया है। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक या 1 छोटी चम्मच नमक, 1/4 यहाँ पर मैंने काला नमक का इस्तेमाल किया है, 1 चुटकी हींग। पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने 1 चम्मच चावल का आटा और ये 1 कटोरी बेसन। तो पहले हम पकौड़ों के लिए पूरा बेसन नहीं डालेंगे, थोड़ी सी बेसन को बचा लेते हैं। इसे मिक्स करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो बचा हुआ बेसन डालेंगे। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर बेसन नहीं डालना है, बस इतना बेसन डालना है कि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएँ और इनकी एक अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। इसमें हम किसी तरह का भी पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि हरी सब्जियाँ अपना पानी छोड़ती हैं। ये बचा हुआ बेसन भी हम पकौड़ों में डाल लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को 5 मिनट हम रेस्ट पर रखेंगे और उसके बाद इसमें अपने आप ही हरी सब्जियां पानी छोड़ देंगी, तो ये गीला हो जाएगा। 5 मिनट रेस्ट के पर रखने के बाद ये देखिए ये सब्जियों में कितना मॉइस्चर हो चुका है, हरी सब्जियों ने अपना पूरा पानी छोड़ दिया है और हमें इसमें किसी तरह का एक्स्ट्रा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये पकौड़े अच्छे से बाइंड हो रहे हैं, तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें एक एक करके पकौड़े डालेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर उलट पलट कर अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। पकौड़े हमारे नीचे से फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें हम पलट लेंगे। हाई फ्लेम पर पकौड़ों को फ्राई मत कीजिएगा, नहीं तो वो बाहर से तो एकदम से क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर से सॉफ्ट ही बने रहेंगे। तो गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखिएगा। ये देखिए पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर भी देखिए कितना अच्छा आ चुका है, बहुत ही क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुए हैं। तो इन्हें निकाल लेते हैं, इन्हें इस तरह से एक छन्ने पर निकाल लेंगे ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा तेल नीचे निकल जाए। और ये देखिए हमारे मिक्स वेज पकौड़े बनकर तैयार हैं। तो बाकी सारे पकौड़े भी हम इसी तरह से बनाकर फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए हमारे गर्मा गर्म पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इन्हें इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं या मेरी तरह इनके ऊपर डाल दीजिए हल्का सा ये चाट मसाला, जिससे ये खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। यहाँ पर इसे मैं सर्व कर रही हूँ हरे धनिया पुदीने की चटनी के साथ। चटनी के साथ पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी ये पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो आप एक बार ये पकौड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।